हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ हार्ट शेप में ब्लाउज बैक नेक की डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेस वाले फैब्रिक को मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ब्लाउज की टोटल लेंथ है 13 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कट किया है, तो टोटल लेंथ 14 इंच रखा है। लेंथ का हाफ हमें शोल्डर रखना है, तो शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच। अब हमें फ्रेंड्स नेक डिज़ाइन के लिए मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें नेक की विड्थ रखनी है 4 इंच एंड लेंथ रखना है हमें 3.5 इंच। मार्क कर लेने के बाद फ्रेंड्स हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डब्बे में हमें राउंड शेप देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें नीचे से 1.5 इंच का गैप रख के एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेक का टोटल लेंथ मैंने 11 इंच रखा है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो 11.5 इंच का भी बना सकते हैं। मार्क कर लेने के बाद फ्रेंड्स हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे वाले डब्बे में फ्रेंड्स हमें 1/2 इंच नीचे से छोड़ के हमें हार्ट का शेप देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम फैब्रिक को उल्टा फोल्ड करेंगे, देन हम दूसरे साइड भी सेम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है, तो मेन फैब्रिक को हम राइट साइड पर रखेंगे एंड उसके ऊपर हम बेस वाले फैब्रिक को रखेंगे जिस पे हमने मार्किंग किया है। बेस वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट करके हमें पिन अप कर लेना है। बीच में फ्रेंड्स हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें फ्रेंड्स मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। बीच में हमें थोड़ा सा गैप रख के सिलाई लगानी है क्योंकि दोनों साइड सिलाई लगानी है। सिलाई लग जाने के बाद फ्रेंड्स हमें नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच से कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेने के बाद हमें नेक पे चारों तरफ कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें बेस वाले फैब्रिक को बैक साइड में पलट देना है। कोने को हम सुई की हेल्प से निकाल लेंगे। पलट लेने के बाद फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर से एक और सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स नेक पे मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। लुक बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें ऐसे दो फैब्रिक लेना है जिसकी विड्थ है 2 इंच एंड लेंथ मैंने रखा है 8 इंच। फैब्रिक को हमें दोनों साइड से फोल्ड करके बीच से फोल्ड कर लेना है एंड फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमें किनारे पे सिलाई लगानी है।
ऐसे ही हमें दो पतली सी पट्टी को तैयार कर लेनी है। लूप बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 2 इंच के लेंथ पे कट कर लेना है, तो ऐसे हम 6 कट कर लेंगे। अब हमें फ्रेंड्स लूप वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है एंड फोल्ड वाला जो हिस्सा है उसको हम बाहर साइड में रखेंगे एंड जो खुला वाला हिस्सा है उसको अंदर साइड में रख के हमें अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमें 3 लूप को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स मैंने एक साइड का लूप लगा लिया है, ऐसे ही हमें दूसरे वाले साइड में भी लूप को लगा लेना है। लूप लगा लेने के बाद फ्रेंड्स हमें डोरी लगाना है, तो डोरी को हम क्रॉस करके लगाएंगे। क्रॉस डोरी लगाने के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले वाले लूप में डोरी लगाएंगे, फिर दूसरे साइड के फर्स्ट वाले लूप में हम डोरी को लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक डोरी को लेना है एंड दूसरे साइड के लूप में डोरी को लगा लेना है। फिर हमें उसी डोरी को लेके दूसरे साइड के लास्ट लूप में डोरी को लगा लेना है। अब हमें फ्रेंड्स बचे हुए लूप में डोरी को क्रॉस करते हुए लगा लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने डोरी को क्रॉस करके लगा लिया है। इसके बाद हम डोरी के लिए लटकन बनाएंगे। फ्रेंड्स हमें एक साइड का लटकन बनाने के लिए ऐसे 4 फैब्रिक को लेना है जिसकी लेंथ एंड विड्थ 3 इंच है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक डोरी को लिया हुआ है जिसकी लेंथ है 5 इंच। लटकन बनाने के लिए फैब्रिक को हमें बीच से फोल्ड करना है एंड फैब्रिक के बीच में हमें डोरी को रख के स्टिच कर लेना है। नीचे साइड से फैब्रिक को हल्का फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके लटकन को सीधे साइड में पलट लेना है। ऐसे ही फ्रेंड्स हमें डोरी के दूसरे साइड में भी लटकन को बना लेना है। अब हमें फ्रेंड्स ब्लाउज में जो डोरी लगाया है उस डोरी में हमें लटकन को बना लेना है। अब हमें फ्रेंड्स जो हमने लटकन बनाया है उसको लेना है एंड हमें डोरी के ऊपर बांधना है। ध्यान रहे बीच वाला जो लटकन है वो हल्का सा बड़ा होना चाहिए। बांध लेने के बाद फ्रेंड्स हमें गांठ के नीचे मशीन से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक और फैब्रिक को लेना है एंड इसको बीच से फोल्ड करके गांठ के ऊपर हम रख के इसको बीच से एक बार और फोल्ड करेंगे, देन हम पहले की तरह इसको स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमें इसको सीधी साइड में पलट लेना है, इससे हमारा जो गांठ है वो ढक जाएगा। फ्रेंड्स दोनों लटकन को मैंने बना लिया है एंड नेक की जो डिज़ाइन है वो भी बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।